सिवांश एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ हर प्रकार की बिस्लेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड वार्ड क्रमांक 3 खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के आर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। भगवान बिरसा मुंडा स्वरा रोजगार योजना जनजाति कार्य विभाग अनिल फूलचंद काजली आरा क्रीड़ा जिले किराना मध्य प्रदेश के खंडवा के नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं करीब 2 साल से परेशान हो रही है। छात्रों का कहना ये है कि हमारी कोई भी सुनवाई कोई भी नहीं सुन रहा है, उसी को लेकर आज सभी नर्सिंग की छात्राएं खालवा के कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर उन्होंने मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री विजय शाह से भी मुलाकात की। उसके बाद भी किसी ने भी इनका निराकरण नहीं निकाला। हम आपको बता दें कि कई नर्सिंग कॉलेज है जो कि ब्लैक लिस्टेड हो गई है, उनमें लड़कियों ने फीस भर दी, पढ़ाई कर ली, पर अभी तक उनके कोई पेपर नहीं हुए, उनका भविष्य खराब हो, उसी को लेकर ये सभी नर्सिंग की छात्राएं खालवा के भाजपा के कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर उन्होंने दोनों मंत्रियों से मुलाकात की, उन्होंने अपनी समस्या बताई, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। छात्राएं हाथ जोड़ती रही, मंत्री देखते रहे। ये नज़ारा खंडवा के खालवा क्षेत्र का बता रहे, जहाँ की भाजपा के कार्यक्रम में नर्सिंग की सभी छात्राएं रोती हुई नजर आ रही है और हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। ये खंडवा के खालवा क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर नर्सिंग की सभी छात्राएं अपनी परेशानी लेकर मंत्री के पास पहुंची। उन्होंने आवेदन भी दिया, पर मंत्री ने कहा कि कलेक्टर से बात कर फिर हम आपको बताएंगे। जो विभिन्न उत्पाद बनाए गए हैं भाई, माननीय मंत्री महोदय को यहाँ पर उपहार स्वरूप प्रदान किए गए हैं। राजेश केरल डॉक्टर वीरेंद्र कलमे और डॉक्टर सुनील कलमे, जिन्होंने एकलव्य विद्यालय से अध्ययन किया और आज MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए स्वीकृता करें। डॉक्टर वीरेंद्र कलमे, डॉक्टर सुनील पूनम गंगाराम, लाइन परिचालक MPB लोकेश रामलाल, ग्रिड ऑपरेटर MPB दिलीप हीरालाल, मनीष किशन और दीपक रागोड़े, ये सभी योजनाओं के तहत अपनी अपनी जॉब अपनी अपनी नौकरी में पदस्थ हो चुके हैं। इन सभी को बधाइयां। सभी बाहर जो लोगों को अंदर आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में हम सभी के साथ यहाँ पर होंगे। गान सुना दीजिए। हमारे सारे नर्सिंग कॉलेज की अभी जांच चल रही है। सर हम किसी से कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमारे साल बर्बाद हो, हमारे एग्जाम कंडक्ट तो मेरी माँ मुझे बात तो करना पड़ेगी ना, बिना बात के बात करना।
नेशनल स्टडी खेड़ी के बच्चे हैं। हम लोग 4 साल से मतलब एग्ज़ाम की वेट कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम 4 साल हो गए हैं, वे अभी तक नहीं हुआ है, और हम 4 साल से वेट इस कारण से कर रहे थे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम थी, मतलब सीबीआई जांच चल रही थी, तो हम सीबीआई जांच के चलते कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम सीबीआई जांच का फाइनल रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे। तो अभी फाइनल रिजल्ट आया है, तो उसमें खंडवा की सारी कॉलेजों को मान्यता प्राप्त हुई है और हमारी कॉलेज जो प्रतिभा कॉलेज है खेड़ी में उसको निरस्त बताया गया है। तो हम लोगों को लग रहा है कि मतलब 4 साल हो गए उसके बाद भी अब हमारी कॉलेज निरस्त बताई जा रही है, तो हमारा मतलब भविष्य अंधकार में और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो जो मान्यता प्राप्त कॉलेज के बच्चे हैं उन लोगों के साथ में हमारी भी एग्ज़ाम हो जाए। कौन से कॉलेज के आप कितने बच्चे होंगे? हम 200 बच्चे हैं, प्रतिभा कॉलेज खेड़ी से है। तो हम लोग बस यही चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, कि जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसमें हमारा ट्रांसफ़र किया जाए या हमारी कॉलेज को मान्य किया जाए और हमारी एग्ज़ाम ली जाए। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने मंत्रियों से मिले, हमने उनसे बात की है कि हम लोगों को बस हमारे एग्ज़ाम से मतलब है, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ये आपकी जो बात सुनी नहीं जाएगी तो क्या नुकसान होगा आप लोगों का? हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो 200 बच्चे उनमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कोई सुसाइड भी कर सकता है। नुकसान क्या हो रहा है आपका? नुकसान हमारे 4 साल और हमारा पूरा भविष्य गया है, नुकसान यही हुआ है हमारा पूरा भविष्य, क्योंकि ना तो हम अदर कोर्स कर सकते हैं अभी। क्या नाम है आपका? हीना यादव। बेटियां मिलने आई थी, हो गई आपसे मिलने। वो प्राइवेट कॉलेज है जी, मेरे पास अभी आवेदन है, उनकी मान्यता का कुछ सवाल है। अभी बीएससी नर्सिंग कॉलेज जितने खुले हैं, मध्य प्रदेश में जांच चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है और नई अनुमति भी बंद है। अभी इनके कॉलेज का क्या मैटर है, क्यों इनकी अनुमति रद्द हुई है, मैं कल कलेक्टर से 11 बजे पूछूंगा और परसों के दिन भोपाल में जो इनका स्वास्थ्य विभाग का बड़ा हमला है, जो नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों पर अनुमति देता है और जिसने निरस्त करा है उससे भी बात करके हम उनके जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। लड़कियों का ये था कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हमारा साल ना जाए, उनकी मांग जिनाइन है, कुछ सोच के उन्होंने एडमिशन लिया था, उनके भविष्य के साथ अन्याय ना हो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और निराकरण निकालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू भैया।